Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAD, ZAT and Metasnap and IFT. So guys, this year we have launched separate portal for mocks, that is Mock Zone. So I would recommend you all to visit the Mock Zone website and check the variants. We have launched the mocks for almost all the exams, and the best thing is it has Android app as well. So basically we are focused on non-CAT exams, but CAT mocks are also very good. Okay, so you can go and check the website. Okay, and we have videos also for that. So today what we are going to do in this video, we are basically going to discuss about the analysis of mocks, like how to analyze mocks, because I am getting a lot of requests from the students, a lot of pings from the students asking me, sir, mocks kaise analyze karein, kya karein, mocks zil diya but so kaise karna analyze section wise, kaise kya karein. So today we are going to discuss regarding this only. Okay, so we will be moving section by section. So first we will start with cons, then we will move towards LRDI and then finally VARC. ठीक है, क्योंकि ये तीन sections almost सारे exams में होते हैं. ठीक है, so let's start with quants. ठीक है, so quants. Okay, so guys, for any section you will be having five type of things. Okay, first is either your question can be wrong, you did the question wrong. Okay, second is you unattempted the question, you did not attempt the question. Okay, third is you got the question correct. ओके, ये तीन मेन रहेंगे, बाकी फोर फिफ्थ है आइडेंटिफाई में भी कि वो बाद में बात करेंगे उसकी. ठीक है, सो गाइस व्हाट यू डू इज मॉक जो आपका हो जाए, एनालिसिस का आपका आ जाए, स्टार्ट हो जाए, तो आप स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन एंड चेक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है, इफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग ट्राई इट अगेन, उसको ट्राई करो. ठीक है, फाइव मिनट तक ट्राई करो, दो तीन मिनट तक ट्राई करो, अगर रॉन्ग हुआ है तो वो सिली मिस्टेक हुई होगी, देयर मे बी चांस ऑफ सिली मिस्टेक तभी रॉन्ग हुआ है, बिकॉज आपने अटेम्प्ट किया तो आपको आता होगा. ठीक है, सो दो तीन मिनट में आपका वो ट्राई करो, नहीं होता तो सोल्यूशन देखो एंड नोट डाउन द सोल्यूशन. ओके, नोट डाउन द सोल्यूशन. ठीक है, ये करो. ठीक है, इफ द क्वेश्चन इज अनअटेम्प्टेड, यू डिड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, देन ट्राई, उसको ट्राई करो, तीन चार मिनट तक ट्राई करो. उसके रीजन क्या हो सकते हैं, या तो टाइम नहीं होगा आपके पास इसलिए आपने ट्राई नहीं किया होगा उसको, और द क्वेश्चन माई बी टफ फॉर यू, आपके लिए वो क्वेश्चन टफ रहा होगा, स्टे नहीं किया होगा. ठीक है, सो नाउ ट्राई इट. ठीक है, सोल्यूशन नहीं देखना है किसी केस में, पहले ट्राई करना है क्वेश्चन को, ट्राई करो फाइव मिनट्स तक, उसके बाद चेक द सोल्यूशन एंड नोट डाउन द सोल्यूशन. ठीक है, अगर क्वेश्चन करेक्ट है सो ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट है डायरेक्टली चेक द सोल्यूशन, इफ द सोल्यूशन गिवन हैज अ शॉर्टर मेथड देन व्हाट यू अप्लाइड देन नोट डाउन. अगर आपको लगता है कि सोल्यूशन में मेथड जो है शॉर्ट दिया हुआ है काफी, तो आप उसको आप नोट डाउन करो. ठीक है, तो ये तीन केस बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग क्वेश्चन होगा या तो आपने रॉन्ग किया होगा बता दिया मैंने, अनअटेम्प्ट होगा तो बता दिया मैंने, एंड करेक्ट क्वेश्चन, देन इन दैट केस आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है और नोट डाउन करना है. ठीक है, सो गाइस एक कॉपी बना लो क्वांट्स की, कोई भी ट्रिक कहीं भी मिले सीधे नोट करना है उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आपको बहुत फायदा करने वाली है. ठीक है, एक अलग से कॉपी बनाओ, मेक ए नोटबुक एंड नोट डाउन द ट्रिक्स यू सी एनीवेयर, लाइक इन ग्रुप्स और इन मॉक्स, कहीं भी कोई भी ट्रिक देखे आपको सीधे नोट डाउन दैट, बट उसका डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली ट्रिक से काम नहीं चलेगा, डेरिवेशन तो होता ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी क्लास में भी अगर कोई ट्रिक बताते हैं तो उसके पीछे डेरिवेशन जरूर देते हैं उसका. ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ही मुश्किल से आएगा, बट एग्जाम बाकी एग्जाम में आ जाता है. ठीक है, सो ये था. और भाई, और अब नेक्स्ट थिंग क्या है, आइडेंटिफाई और वीक एरिया. जब क्वांट्स का एनालिसिस हो जाए, वीक एरिया एनालाइज करो कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए या किस टाइप के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए. एक दो वीक एरियाज होंगे ही होंगे हर मॉक में, चाहे जितना अच्छा परसेंटाइल आया हो, क्योंकि रिलेटिव होता है वो. ठीक है, तो कहे वो आपका अलजेब्रा हो सकता है या फिर ज्योमेट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, तो वीक एरिया जरूर देखो एंड वर्क ऑन दैट. नेक्स्ट मॉक से पहले उसे वर्क करो, उसको रिवाइज करो, उसके कंसेप्ट रिवाइज करो और उसे कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाओ, अच्छे लेवल के, लेवल थ्री के. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ट्रैक द नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स. बहुत बार होता है रॉन्ग क्वेश्चन का रीजन क्या होता है, सिली मिस्टेक होती है. सिली मिस्टेक की रीजन पता है क्या है, सिली मिस्टेक होती है जब आप साफ साफ नहीं लिखते हो, आप एक ही में सब कुछ लिखते जाते हो, सब गलत तभी गड़बड़ जाता है. ठीक है, सो राइट नीटली, बहुत साफ साफ लिखो, प्लेन पेपर में लिखो और सिली मिस्टेक्स देखो कितने मार्क्स की हुई है. सो आपको रियलाइज होगा कि अगर आपके मान लो फाइव क्वेश्चन रॉन्ग हुए, थ्री क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स, मतलब इतने से आपके 12 नंबर चले गए नेगेटिव मिला के, तीन तो वो गए और एक नंबर नेगेटिव गया, तो 12 नंबर चले गए, मतलब परसेंटेज बहुत ज्यादा डिप हो गया. तो नोट करो कि आपके सिली मिस्टेक्स में कितना हुआ. ठीक है, और नेक्स्ट टाइम उसको याद रखो,
कि सिली मिस्टेक नहीं करनी मुझे, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन करूँ दिमाग में रखूँ कि सिली मिस्टेक नहीं बननी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक की हैबिट से ही आएगी, ठीक है। सो गाइस ये पांच चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग क्वेश्चंस, अनअटेम्प्टेड करेक्ट, आइडेंटिफाई वीक एरिया, ठीक है, एंड ट्राई द नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स। तो ये आपका क्वांट्स का पार्ट हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मेन चीज़ यही होती है। और क्वांट्स में आपको एनालिसिस में 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में लगना चाहिए, अच्छे से अगर एनालाइज कर रहे हो आप क्वांट्स को, ठीक है, नोट वोट करके सब, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द एलआरडीआई पार्ट। एलआरडीआई में देखो पैटर्न सब में ही रहेगा, यू हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू चेक वेदर द विच टाइप ऑफ कैटेगरी इट कम्स इन, रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग सेट है, अनअटेंडेड सेट है, करेक्ट है, ठीक है। अगर देखो सेट आपका रॉन्ग हुआ है, सेट रॉन्ग होने मतलब है कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो आपको, आपने या तो सेट अंडरस्टैंड नहीं किया ढंग से, या तो आपने सेट को इंटरप्रेट नहीं किया है, तो आपको एलआरडीआई का हर सेट फिर से लगाना ही है। जो करेक्ट पूरा हो गया है, जैसे कि एक सेट में चार क्वेश्चन से पूरा सेट सही, तब तो एक अलग बात है, मत लगाओ, सोल्यूशन देख लो कि कोई शॉर्टकट मेथड है कि नहीं, वरना आपको दोनों केसेस में रॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर लगाना है, पूरा सेट आपको फिर से लगाना है, तभी इसमें आपको टाइम ज़्यादा देना है, 2.5 आवर्स देना आपको एलआरडीआई में, ठीक है। एलआरडीआई में एमकैट्स वगैरह में तो वीडियो सॉल्यूशंस भी होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं, वीडियो भी होते हैं, तो अच्छी बात है, उसको देखोगे तभी टाइम लगेगा, इसलिए टाइम उसका बढ़ा के दिया मैंने 2.5 आवर्स, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज यू हैव टू सॉल्व द फुल सेट अगेन और टाइमर लगा के स्टॉप वॉच के साथ, ठीक है, या तो टाइमर मत लगाओ, पहले आप सही कर लो उसके बाद टाइमर देखते रहेंगे, टाइमर तो टेस्ट में होता ही है। सो आपका मेन एम ये है कि आपको इस टाइम पे क्रैक करना है सेट को, जो आप टाइमर के टाइम पे नहीं कर पाए क्रैक जब टेस्ट चल रहा था, सो नाउ यू हैव टू क्रैक दैट, ओके। सो उसको सॉल्व करो, नहीं होगा तो उसका आप सॉल्यूशन देखो, वीडियो सॉल्यूशन देखो, ठीक है, अगर तब भी नहीं होगा तो ग्रुप्स वगैरह में डालो, ठीक है। सो ये है एलआरडीआई का, उसमें भी आपको वीक एरियाज देखना है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट से क्वेश्चन नहीं हो पाए, कि आपके वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं हो पाए, कि बाइनरी लॉजिक के नहीं हो पाए, सो उसको नोट आउट करो एंड वर्क ऑन दैट। उसमें भी सिली मिस्टेक को देखो कि डीआई वगैरह में आपने क्या ले लिया, परसेंटेज, कभी कभी बिल्कुल बेसिक चीज़ों की ऐसे गलत हो जाता है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन ही गलत हो गए, आपने ग्राफिक ढंग से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को, आपने कुछ और समझ लिया, ठीक है। सो दीज थिंग्स हैपन। सो गाइज ये एलआरडीआई का है, देखो गाइज मेन चीज़ यही कि आपको एनालिसिस में करना यही कि आपको फिर से लगाना होता है जब आपका रॉन्ग होता है क्वेश्चन या अनअटेम्प्टेड होता है, करंट के केस में आपको सॉल्यूशन देखना होता है, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है, और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, 2.5 आवर्स आपको लग जाएगा। गाइज 95% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट एनालाइज, वो मार्क्स देते रहते हैं, गिनते रहते हैं, इतने मार्क्स को उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता गाइज, अगर आप एनालाइज कर लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा आपका, क्योंकि एक मॉक में 8 सेट्स आते हैं एलआरडीआई के, आपने अगर 20 मार्क्स भी लगा के एनालाइज कर लिए तो 160 सेट्स आपके हो गए डाइवर्सिफाइड सेट्स, ठीक है। सो एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एनालाइज इसलिए करना है कि उस तरह का सेट कोई अगर आएगा देन यू विल बी एबल टू डू, ठीक है, उसको कर लोगे आप तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद वीआरसी। वीआरसी में भी यही है कि आरसी आपने पढ़ा है, आरसी में सब पढ़े होंगे, बट रॉन्ग क्वेश्चन का रीजन क्या, आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, उसमें तो रीडिंग हैबिट है सब, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर एक आरसी में सारे क्वेश्चन रॉन्ग हैं तो उसका मतलब आपने आरसी को ढंग से पढ़ा नहीं है, तो यू हैव टू रीड द आरसी, ठीक है। आरसी को आपको उसे भी रीड करना ही है दोनों केस में, रॉन्ग क्वेश्चन है अनअटेंडेड हो करना ही, करेक्ट सारे करेक्ट होगा तो आरसी मत करो रीड, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर सब करेक्ट है तो फिर ठीक है। वो इस केस में आपको कुछ दोबारा सॉल्यूशन क्या देखोगे इसमें, इसमें मेन चीज़ यही है कि रॉन्ग क्वेश्चन अनअटेंडेड में आपको पूरा पूरा आरसी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा और ढंग से देखना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस ऑल्सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरिया, कि किस टाइप के टॉपिक के आप आरसीस नहीं कर पा रहे हो, कि बहुत जैसे हिस्ट्री वगैरह के अगर टॉपिक्स के आ गए तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, ठीक है। और ट्रैक योर सिली मिस्टेक्स, इसमें आप कहीं ऑप्शन ऊपर नीचे नमार कर दो, या पूछा कुछ गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपने कुछ और कर दिया सोच के, ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक हो सकती है इसमें भी आरसी के थ्री। एंड द अदर थिंग इज वीआरसी में जो पैटर्न होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप आरसी से स्टार्ट करो, वो डिपेंड करता है, बट आरसी ज़्यादा सही है, कि टाइप इन आंसर टाइप वाले क्वेश्चन का चांसेस बहुत ही, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट। सो वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट फ्रॉम आरसी ओनली, 24 क्वेश्चन होते हैं। एंड या वन थिंग मोर, एलआरडीआई वीआरसी में देख लो कि कौन सा आपके लिए फैमिलियर, उससे स्टार्ट करो। इनकेस ऑफ एलआरडीआई जो सर आपको लगता है कि फैमिलियर आप कर लो तो पहले वो करो, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलआरडीआई में, कि एलआरडीआई स्टार्ट करते हो जब पेपर आप, तो आपको ये देखना है कि कौन सा सेट आप कर सकते हो, तो वो दो तीन सेट कर लोगे तो यू विल बी गेनिंग कॉन्फिडेंस, देन यू कैन स्टार्ट विद टफ सेट्स। सिमिलरली इन केस ऑफ वीआरसी आल्सो, आरसी देख लो तो बहुत टफ आरसी में उठा लेना, ठीक है। कभी भी क्या होता है कि लेंथ आरसी की बड़ी होती है,
बट आरसी की लैंग्वेज इजी होती तो आप कर लोगे, बट ऑन द अदर हैंड कभी कभी आपको रहता है छोटा आरसी बट काफ़ी टफ लैंग्वेज है तो आप नहीं कर पाते हो। सो यू हैव टू चेक कि टॉपिक क्या है, आपके फैमिलियर है कि नहीं है, ठीक है। एंड गाइस वी आर सी में देर इज नो फॉर्मूला अदर देन रीडिंग, सो वुड रिकमेंड यू टू टेक एटलीस्ट 2 आरसीज डेली ऐसे प्रैक्टिस, एंड टेस्ट फॉर्म में प्रैक्टिस करना है। बुक में करने से इतना फायदा शायद ना हो कि ऑल द एग्जाम्स आर ऑनलाइन ओनली, ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑनलाइन, देन ओनली विल बी गेनिंग द कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो गाइज ये था वी आर सी क्वांट्स एल आर डी ए का एनालिसिस, एंड नाउ हाउ टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस कि आप कैसे जा रहे हो। तो उसके लिए मैं एक्सेल शीट बना रहा हूँ, एक आपको अपलोड हो जाएगी वो ग्रुप्स वगैरह में सारे, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग उसके अंदर शीट्स होंगी, क्वांट्स सॉरी अलग अलग एग्जाम्स के अलग शीट्स होंगी, एनमैट स्नैप आई एफ टी कैट, सो उसके अकॉर्डिंग यू कैन ट्रैक योर स्कोर्स, ठीक है, और देख सकते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका कैसा हो रहा है। तो आपको उसे एंड ऑफ द मतलब सीजन में आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे कैसे जा रहे हो, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान, ठीक है। सो उससे आपको आइडिया होता रहेगा, सो आई विल बी अपलोडिंग दैट, ओके। सो गाइस ये था वो पूरा एनालिसिस। नाउ 20 जुलाई से जैसे बताया मैंने कि स्टार्ट हो गया लाइव मॉक शेड्यूल, हमने बनाया था, एंड 20 से 22 एनमेंट मॉक 1 स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस अगर मॉक जोन कॉन्टेक्स्ट में पार्ट लेना है तो यू हैव टू अटेंड ऑल द मॉक्स एज पर शेड्यूल। मॉक्स आप कभी भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि शेड्यूल में ही दो तभी आपका होगा, कभी भी दे सकते हो, बट शेड्यूल में दोगे, शेड्यूल इसलिए बनाया ताकि डिसिप्लिन रहे सब कुछ, क्योंकि कैट जैट एंड मैट स्नैप कैट एंड मैट स्नैप आई एफ टी शेड्यूल में है। सो अगर वो देते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो चेक आउट द शेड्यूल एंड चेक आउट द वेरियंट्स मॉक जोन के, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट द मॉक जोन मॉक्स इज इंटरफेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप है, एंड अदर थिंग इज एक्सपर्ट्स का एक अलग से ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर होंगी मॉक्स की जितनी भी होंगी, ठीक है। ये मॉक जोन ओन एंड मैनेज बाई 3D अर्निंग एकेडमी, मेरी कोचिंग का ये एक पार्ट है, तो हम लोग जो हैं एक्सपर्ट्स वो सब आपका मॉक जोन में हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर आई सो कि काफ़ी लोग मतलब सर्च कर रहे थे मॉक्स के लिए, स्पेशली ओमेट मॉक्स के लिए, सो दैट इज़ वाई वी लॉन्च दिस, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली मॉक्स, वी विल ऑल्सो बी अपलोडिंग LRDA, VRC and Quants study material mainly for OMETs. जैसे कि for LRDA we will be uploading questions related to statements and assumptions, strong and weak arguments, क्योंकि NMAT में 15 questions around आते हैं, इसके और मिलते नहीं गई, तो we will be uploading that. Verbal का material we have already uploaded, ठीक है। तो guys काफ़ी कुछ मिल रहा है इसमें आपको, एक बार वेबसाइट में जाओ एंड चेक ऑल द 3 variants, ठीक है, और price काफ़ी nominal इसकी, ठीक है। अलग अलग मॉक्स लोगे तो आपका काफ़ी खर्चा हो जाता है, ठीक है, वो समझ में नहीं आता है क्योंकि एक एक करके लेते हो, बट एक बार देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी खर्चा हो जाता है, और इसका वीडियो भी है, वो वीडियो देख लेना जरूर, उसमें आपने एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। सो गाइस नाउ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट मॉक्स। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये लाइन बहुत सुनने में आती है कि अभी मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी मॉक्स कैसे स्टार्ट करूँ, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। मॉक्स स्टार्ट कर दो चाहे आपका 50% भी सिलेबस खत्म हुआ हो, उससे कुछ नहीं होता, एनालाइज करो, चाहे आप एक ही एक मॉक दो, नो इशूज़, अगर एक हफ्ते में एक दिन तब भी नो इशूज़ है, आप एक ही एक मॉक दो, बट मॉक स्टार्ट कर दो, उससे आपको यू विल बी एटलीस्ट यूज टू द इंटरफेस और टाइमिंग, कि आप 3 घंटे की हैबिट हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, अभी से स्टार्ट कर दो, आप तक फ्रिक्वेंसी बढ़ा लेना, जैसे नाउ यू विल बी गिविंग ओनली 1 mock one week, इन अक्टूबर यू विल गिविंग 3 mocks पर वीक, ऐसा कर लेना, बट मॉक्स स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम अब स्टार्ट हो चुका है, जुलाई निकल चुका है, अगस्त आने वाला है 10 दिन बाद, ठीक है, ये टाइम बिल्कुल पीक टाइम है मॉक का, तो मॉक से स्टार्ट करो, और सिर्फ कैट में मत पढ़ो, एक आधे मॉक जैसे मैंने शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग चलो, एंड मैट स्नैप आई एफ टी भी पूरा ध्यान रखो, बिकॉज कैट इज वेरी सरप्राइजिंग, उसको कह नहीं सकते कैट का, सो कैट कैट करते करते और सब एग्जाम्स भी गड़बड़ जाते हैं उस चक्कर में, तो ऐसा मत करो, बस आपको मॉक्स ही देना है, सिलेबस तो ज़्यादा सेम ही है, ठीक है। सो गाइस इसको देखो आप, और आई गेस क्या आपका क्लियर हो गया एनालिसिस का मॉक्स का, कोई अगर डाउट है तो डू लेट मी नो, ठीक है। माई नंबर इज 8604734785, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ नंबर अपना, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी, बट पिंग करके कॉल करना 8604734785, ठीक है, नंबर है मेरा, यू कैन पिंग मी कोई अगर डाउट है तो, ठीक है, और आई कैन टॉक इन कॉल एज वेल, नॉट एन इशू, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।